मेरा नाम उपेंद्र पांडे और मैं आपको एक नए ब्लॉग पे लेके आया हूँ। अभी मैं जनीन शहर के एक छोटे से मॉल के पास हूँ। मैं आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत सा शहर है। मैं आपको बैकग्राउंड करके दिखाता हूँ, एक बहुत खूबसूरत सा शहर है। यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे, और मतलब इसके चारों तरफ एक हिल स्टेशन टाइप सा है। मतलब चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है ये शहर, और बहुत खूबसूरत सा शहर है। यहाँ ये जोहान्सबर्ग से 400 किलोमीटर पे है डिस्टेंस पे, और फ़िलहाल मैं भी जनीन शहर में हूँ। मैं साउथ अफ्रीका के जनीन शहर में, और ये एक लिम्पोपो रीजन है, मतलब लिम्पोपो एरिया के अंदर में एक छोटा सा शहर है। जैसा कि पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे यहाँ पे अभी हम एटीएम के पास आए हुए हैं पैसा निकालने के लिए, और लोकल कैश चाहिए हमको। और तो और साथ में हमको कुछ मेडिसिन भी चाहिए, तो हम मेडिसिन के लिए भी रुके हुए हैं, और कैश तो तुरंत मिल गया। अभी हम जानेंगे, कुछ लोगों से पूछते हैं इस शहर के बारे में कि एक्सक्यूज मी, कैन यू जस्ट टेल मी जनीन सिटी, द ब्यूटी ऑफ जनीन सिटी, द ब्यूटी, या ब्यूटी लाइक व्हाट काइंड यू वांट, लाइक व्हाट इज द फेमस हियर जनीन। The most of the people are going to the Latabha Ranch, the Lion Park. Lion Park, Latabha Park. Yeah. Okay, and then next. And then, say like to the, let's say the crossing. The crossing. Yeah, it's on the river, the nice restaurant. The river, yeah. Nice restaurant. And yeah. Then other thing, the beauty, like mountain. Yeah, like our mountains dam, are farming. Farming, the dam, lots the of dam, the dam here back. What kind of farming here? Like. The bigger ones here is oranges, oranges, bananas, banana, mangoes, and avo. Avo, the big exporter. As because yeah, those before it's Delhi, the biggest guys biggest on one. Your right hand side. Yeah. Oh, this the Zanin supermarket. Yeah, lifestyle center. Lifestyle center. Yeah, so who's the owner of this? There is a few guys. Huh? It's a few guys. Not one, it's a few. Two guys? Yeah. The lots of guys. Like, how many members? It can be 30, but because it's just one. Yeah. There was an in mall down there. Yeah. In crossing. Okay. But it's top right side. Yeah, I know, and I know. All of them is one owner. Oh. All of them is one owner. One owner. It's like 10 people. Yeah, it can be more. More people is the owner. Okay. Yeah. What I heard last time was said is the Jewish people. Yes. Yeah. Look here, Jewish or what? The Jewish. Okay. The owners for this. So it means a lot of farms here, lots of farms, and there are beautiful mountains, and the dam, yeah. And the Latabha Park, then the next, the restaurant. Yeah, the restaurant. And then no other things for visit in this place. Yeah, if you go for it down to the Google National Park. Google National Park. Yeah. How long from here? It's 110 kilos from here to Palaborwa. 110 kilos from here to Palaborwa. Okay. And from Palaborwa it's a few kilometers then you reach it. Thank you, man. And you can even go to the islands. Yeah. To relax for the day. Thank you, man, for information. Okay. Thank you. तो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, एक जनीन शहर है। यहाँ बहुत सारे फार्म्स है, बहुत सारे जैसे ऑरेंज के, मैंगोज़ के, और लगभग जितने सब्जियाँ भी होती हैं वो सबके फार्म है, फ्रूट्स के फार्म है। सो यहाँ अराउंड, मतलब अगर मैं यहाँ से निकलूँ, आप जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ शहर है, एकदम ब्यूटीफुल सा शहर, एकदम ब्यूटीफुल, मतलब गार्डन एरिया जैसा बोल सकते हैं वैसा। सो एक बहुत अच्छा सा शहर है, और मैं आपको ऐसे ही
मतलब साउथ अफ्रीका के कुछ और अच्छे अच्छे जगहों पे आपको घुमाता रहूँगा मैं। हेलो मैन, हाउ आर यू? आर यू वर्किंग हियर? ओके, कैन यू टेल मी अबाउट दिस प्लेस? इट्स अ नाइस प्लेस। व्हाट्स दैट वन? द पीपल आर नाइस, द फूड इज नाइस। फूड इज नाइस, या या, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। या एवरीथिंग, एवरीथिंग। हां, जस्ट आई एम मेकिंग अ ब्लॉग। ओह, सो यू जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, यू चेक इन YouTube UK ब्लॉग। UK ब्लॉग, या आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया, या आई एम वर्किंग हियर एंड नाउ। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ एक बहुत अच्छा सा शहर है ये, मतलब कि घूमने के लिए इतना अच्छा अच्छा जगह है, डैम है और पार्क है, लेताबा पार्क है, जहाँ आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, जहाँ आप टाइगर को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। यूके ब्लॉग्स, यू स्पेस के ब्लॉग्स, तो गाइस मैं आपको बताऊंगा। Here my channel, you press the bell icon. Okay, so guys, और मैं आपको इसी तरह मैं आपको बताता रहूँगा साउथ अफ्रीका के अच्छे अच्छे जगह के बारे में, यहाँ बिजनेसेस क्या है, यहाँ लोग ना फार्मिंग पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। ये जो पूरा जनीन शहर है, पूरा फार्म, जितने फार्मर हैं, बड़े बड़े फार्म है यहाँ पे, फ्रूट के सब और वेजिटेबल्स के, और मतलब जिस तरह से हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे इंडिया में होता है कि फार्मर होते हैं, उनके फार्म होते हैं, जस्ट यहाँ भी वैसा ही है। यहाँ लोग फोकस किए हुए हैं, जनीन शहर है जो, यहाँ पर लोग बड़े बड़े फार्म है यहाँ पे, तो यहाँ उनका बिजनेस फार्म से ही चलता है, यहाँ का लोकल बिजनेस। तो गाइस हम यहाँ लोगों से पूछते हैं कि यहाँ के बारे में, कि यहाँ क्या है, कैसा है, यहाँ का बिज़नेस क्या है, यहाँ के लोग जीने के लिए क्या करते हैं। और देखिए कितने यहाँ शॉप फुल टाइम ओपन रहता है, 24 आवर्स, आप देख सकते हैं, यहाँ कोई लॉक भी नहीं, इतना सुंदर सा शहर है ये। अभी मैं आपको एक्वा पार्क एरिया में ले चलता हूँ, जहाँ हमारा गेस्ट हाउस है। और अभी देखिए, ये मॉल अभी नया बन रहा है, देखिए कि मैं आपको डैम घुमाने ले चलता हूँ। यहाँ थोड़ा सा डैम है, लेकिन हम थोड़ा अंदर नहीं जाएंगे, मैं आपको बाहर से ही शो कराऊंगा। यहाँ पे बोटिंग भी है, सब कुछ है, इतने सुंदर सुंदर फार्म हाउस है यहाँ पे, देखिए गेस्ट हाउसेस है।
घर है उतनी महंगी गाड़ियाँ भी है यहाँ पे लोगों के पास, सबके पास फार्म है। जितने भी आपको गेस्ट हाउस देख रहे हैं ना, सबके पास खुद का एक फार्म हाउस अनफार्म है, पता आपको। ये है एग्जैक्टली बैंक, आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए आपको जरीन डैम दिख रहा होगा, पानी ही पानी। देखिए क्या सुंदर जगह है, चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है यहाँ। अच्छी बात है। ये देखिए गेस्ट हाउस, इतने सुंदर सुंदर गेस्ट हाउस है यहाँ पे। ये पूरा जंगल देखिए, आपको दिखाता हूँ दूर से ही क्या आप जूम हो जाएगा अभी। देखिए ये पूरा फार्म हाउस है, देखिए आपको दिखा सकता हूँ जूम करके थोड़ा। पूरा चारों तरफ पहाड़ है, पता है चारों तरफ पहाड़। ये सुंदर से गेस्ट हाउस है यहाँ पे। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ लोगों के पास खुद का फार्म है। देखिए ये फार्म ही है, ये किस चीज़ का फार्म है, ये शायद चीकू का है क्या यूम जी? ये चीकू, हाँ फार्म की मैंगो का है शायद, मैंगो ये देखिए। अब ये चीकू का फार्म है, आप पहाड़ में देख सकते हैं, पूरे पहाड़ में ना बसा हुआ है फार्म। यहाँ मतलब पहाड़ में ना लैंड वेस्ट नहीं किया है, पहाड़ में भी कुछ ना कुछ लगाए हुए हैं, किसी न किसी चीज का पेड़। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा कि कैसा शहर है। देखिए यहाँ चारों तरफ फार्म ही फार्म है पूरे शहर में। देखिए लोग खुद का फार्म, ये ऊपर पे फार्म बना है। देखिए फेंसिंग है, फेंसिंग के अंदर ही फार्म है। गाइस मैं अभी जा रहा हूँ अपना गेस्ट हाउस थोड़ा तैयार होने, तैयार होके फिर मैं निकलूँगा दूसरे शहर के लिए, और फिर वहाँ के बारे में आपको बताता हूँ दूसरे ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों। अभी हमारा कार रेडी है, तो जैसे कि मेरी कार है और फाइनली तो गाइस आपको दिखाना चाहूँगा ये पूरा व्यू। अब मैं जा रहा हूँ अपने गेस्ट हाउस, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं आपको नेक्स्ट सिटी के बारे में बताऊँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। मैं आपको साउथ अफ्रीका के अच्छी जगह को घुमाता रहूँगा ब्लॉग के थ्रू। आप जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, मैं आपको बताते रहूँगा।